सात दिन में थोड़ा देर थोड़ा देश में कुपोषित बच्चे जो पाए जा रहे हैं, महिलाएं भी कुपोषित का शिकार हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि हम अपनी खुराक सही ढंग से नहीं ले रहे हैं, हमें अपने विटामिन वगैरह जो भी है। गुड़िया जी, हमारे आज के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे आए हुए धरेंद्र जी, सरपंच बरनोटी मैडम, सरपंच अमाला, पोषण प्रोजेक्ट बरनोटी से आई हुई हमारी तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और मीडिया बंधु, मैं अपने आप को आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आई फील वेरी प्राउड टू एड्रेस यू, क्योंकि एक तो ये मेरा ब्लॉग जो है, ये मेरा अपना ब्लॉग है, मैं इसी ब्लॉग से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी पैदाइश बरवाल गांव से है। और ये बड़ा कम होता है कि जब आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आप अपने एरिए में अपने लोगों का आप काम कर सको, वहाँ पे आपको सर्विस करने का मौका मिले। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो पोषण माह पे आपको अंशु जी ने, उषा मैडम ने, चंपा जी ने एक गाना कविता सुना के, और मेरी बहन कल्याणी से हैं, इन्होंने गाना गा के आपको पोषण के बारे में बताया। आप लोग इस फील्ड में काफ़ी देर से, अगर मैं आज आपको जितनी भी यहाँ पर बदलक बैठी हैं, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर पांचवा राष्ट्रीय पोषण माह जो है उसको मनाने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सबको इस पोषण माह की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले से लेकर बच्चे के जन्म से और उसके बाद जब वो बच्चा 3 साल तक होता है, उस सफ़र में आप लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इसको बखूबी निभा रही हैं। क्योंकि मैं अक्सर अपने आंगनवाड़ी में जाती रहती हूँ, और मेरी जो आशा वहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, और मुझे भी उसमें इंक्लूड करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ पर जाकर लोगों से मिलना। और इससे होता क्या है, ये पोषण माह मन जहाँ बैठे हुए सुपरवाइजर और जितने भी वर्कर हैं सबका बड़ा शुक्रिया, और मैं मैडम का खास करके मैडम का शुक्रिया जी की, जो बच्चों के बारे में कि अगर बच्चों की जो खुराक है वो अच्छी होगी तो उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा। बात दो है, अगर बच्चों को ये खुराक उसका जो बचपन में उसको अच्छी खुराक मिलेगी तो बच्चा अच्छा है, अगर उसको अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो भी बच्चा बर्बाद है। जहाँ मैंने स्लोगन देखा लिखा हुआ है कि ये जो नशा के खिलाफ ही जहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, बाकी आज हमारे जो नौजवान हैं उनको जो नशे की बहुत बड़ी एक लत लग चुकी है। कहने का भाव यह है कि अगर बच्चे को अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो भी बच्चा बर्बाद है, अगर उसको अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे तो भी बच्चा बर्बाद है। आज अच्छे संस्कारों की बहुत बड़ी जरूरत है।
मैं आपको एक बात सुनाता हूँ कि देखो अगर हमने सभी जहाँ से जो भी जितने लोग हैं सभी जमींदार लोग हैं, जब हम अपनी खेती में जब कोई फसल लगाते हैं पहले हमने धान लगाया या कोई प्याज की प्याज लगाते हैं या गेहूं लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं जब हम कोई फसल लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो पनीरी है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं नौजवान पीढ़ी स्वस्थ और सुंदर हो, जो बच्चे अच्छे होंगे देश को अगर वादा, पैसे भी जिन्हें मर्जी कमाओ जो मर्जी करो, लेकिन समाज अच्छा नहीं हो, थोड़ा बोलना चलना अच्छा नहीं हो, थोड़ा रोना बोना अच्छा नहीं हो, तुम कदम भी अपने समाज की अगर ये नहीं जाई सकते। उसे थोड़ा बड़ा बड़ा रोल होगा क्योंकि एक पास तुम डिपार्टमेंट में जुड़ी काम करा रहे, दूए पास तुम एक मातृ शक्ति हो, मतलब मातृ शक्ति का माँ जी है वह बच्चे इन्ना जबरदस्त रोल होगा, बच्चे पालने से बच्चा कियां रखना है कियां पढ़ाना है कि करना है, क्योंकि सारे को पहले माँ ही पता लगता कि मेरा बच्चा किस जा रहा है कुछ जा रहा है कि करना है कि नहीं करना।